महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिशा गस्तर आज द्वितीय दिन पुरीस्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठर प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद 150वां जयंती उत्सव में जोगदेवे राष्ट्रपति एथसहित शरदापाली में अनुषित विश्व वैष्णव सम्मेलन में राष्ट्रपति उद्बोधन देते एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति सहित राज्यपाल गणेशी लाल केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं अन्यान्य अतिथि माने मध्ये जोगदेवार कार्यक्रम रही विश्व वैष्णव सम्मेलन में जोगदेवा पूर्व प्रथम राष्ट्रपति सका 10:35 श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में पहुंचे सेठे चतुर्धा मूर्ति राधाकृष्ण सहित चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने सहित पुष्पाजलि अर्पण और प्रदीप प्रज्वलन करे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में व्यापक प्रस्तुति सरी देखा मिली पर दिन 11-12 पर्यंत राष्ट्रपति शरदापाली में अनुषित विश्व वैष्णव सम्मेलन में जोगद मुख्य वक्ता भाव उद्बोधन देते सेठ एक घंटार कार्यक्रम पर राष्ट्रपति दिन 12:15 स्वतंत्र विमान जगे भुवनेश्वर को प्रत्यावर्तन कर दिल्ली फेरी कार्यक्रम रही आलोक आम रिपोर्टर जोड़े रही पुरी आलोक आज द्वितीय दिन में कौन सब कार्यक्रम रही निश्चित माधुरी आपड़ जानते गत काली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमंदिर जाए महाप्रभु को दर्शन करछन्ते एवं आज जेहेतु विशेष कार्यक्रम दुई दुईटी कार्यक्रम रही आपड़ जानते जी श्री चैतन्य गौड़ीय मठर जी प्रतिष्ठाता रही भक्ति सिद्धांत 150वां आविर्भाव दिवस उपलक्षे महामहिम राष्ट्रपति श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को ही आसवे जहाँ शिड्यूल लिखा जाइए 10:35 to 10:45 अर्थात 10 मिनिट पर्यंत महामहिम राष्ट्रपति मठ को आसवे आपड़ देखुं मठ परेश देखु पूरा आध्यात्मिक रही है विभिन्न रंग बेरंगर मुरुजर मध्य मठ को सुसज्जित करा मठ जो कर्मकर्ता मैंने अच्छा जो भक्त श्रद्धा मैंने अच्छा से व्यस्त विव्रत हो पड़ते कि भाव महामहिम राष्ट्रपति की स्वागत करेंगे जदि माधुरी विशेष भाव कह जानते भक्ति सिद्धांत जी रही थे सनातन और वैष्णव धर्मर प्रचारक 150वां आविर्भाव दिवस उपलक्षे महामहिम राष्ट्रपति आज श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को आसवे और श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से जो रही भक्ति सिद्धांत जो प्रतिमूर्ति रही सेठे माल्यार्पण करेंगे और भक्ति सिद्धांत आशीष ग्रहण करेंगे आशीर्वाद देवे से मठ तरफ समस्त व्यापक प्रस्तुति गोटे प्रकार शेष हो कहे अत्युक्ति हेनी आप देखुं पूरापूरी दृश्य आम अच्छा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से जेहेतु आम अच्छे ये आप निरा दृश्य देखुं संपूर्ण रूपे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कारण भक्ति सिद्धांत थे सनातन एवं वैष्णव धर्म प्रचारक थे कि भाव विश्व दरबार में सनातन धर्म एवं वैष्णव धर्म प्रचार व्यापक मात्रा हो पार से नहीं भक्ति सिद्धांत गोटे अतुलनीय अवदान रही कहले अत्युक्ति हेनी आम पूरा मठर दृश्य आम टे देखा चाहिए आम समस्त अगणित दर्शक मानक जेहेतु तीन चार दिन पूर्व आम लगातार खबर प्रसारण करठर जो भाई आप देखुं मठ को संपूर्ण सानिटाइज कर जेहेतु महामहिम राष्ट्रपति गस्त रही मठ को से पूरापूरी व्यापक मात्रा रे प्रस्तुत रही जिला प्रशासन कहतु श्रीमंदिर प्रशासन कहतु राज्य सरकार हूँ पुलिस प्रशासन हूँ आप देखुं मठ को व्यापक मात्रा रे सानिटाइजेशन कर कहीं महामहिम राष्ट्रपति 10:35 to 10:45 अर्थात दीर्घ 10 मिनिट पर्यंत मठ से ही अतिवाहित करें मठ से जो भक्ति सिद्धांत प्रतिमूर्ति अच्छी भक्ति सिद्धांत प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण देवे पुष्पगुच्छ देवे और भक्ति सिद्धांत आशीर्वाद देवे यहाँ मठर सीधा सड़क महामहिम राष्ट्रपति बाहर जहाँ तक प्रोग्राम शेड्यूल रही दिन 11:00 to 12:00 अर्थात 1 घंटा पर्यंत संपूर्ण रूपे आम कहीपर शरदावाली में महामहिम राष्ट्रपति मुख्य वक्ता भाव जोगदेवे और भक्ति सिद्धांत कि भाव प्रचार प्रसार रही भक्ति सिद्धांत आदर्श कौन थी माधुरी भक्ति सिद्धांत नीति आदर्श विचारधारा कौन थी बाणी किभली भाव था ए तमाम दिग्वर महामहिम राष्ट्रपति सीधा सड़क उद्भवन देवे आप देखुं सीधा सड़क दृश्य ये हूँ श्री चैतन्य गौड़ीय मठर दृश्य आप देखुं भक्ति सिद्धांत जो प्रतिमूर्ति रही माधुरी आम अगणित दर्शक मानक सीधा सड़क ये दृश्य देखा चाहिए भक्ति सिद्धांत जो प्रतिमूर्ति रही प्रतिमूर्तिटे ही माल्यार्पण करेंगे महामहिम राष्ट्रपति यही श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को ही आसवे एठार माल्यार्पण करेंगे भक्ति सिद्धांत आशीर्वाद देवे निश्चित भाव मठ तो संपूर्ण रूपे चलचंचल हो पड़ी और निहाती भाव में आप देखुं सीधा सड़क दृश्य आम आलोचना करवा आम सहित गौड़ीय मठ मठर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अच्छा भक्ति विचार विष्णु सिंह महाराज जी कितना स्वागत है कितना प्रिपेयर है आप महामहिम राष्ट्रपति 10:35 to 10:45 तक यहाँ पर आएंगे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर है राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर 10:35 पर आएंगे और उसके बाद
यहाँ पे प्रभुपाद जिनका जन्मोत्सव मना रहे हैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, उनकी आरती करेंगे और उनको हम अपने मठ की तरफ से ग्रंथ भेंट करेंगे। तत्पश्चात 10 मिनट यहाँ पर चैतन्य गौड़ीय मठ में प्रभुपाद के जन्मस्थान में माननीय राष्ट्रपति महोदय रहेंगे। वे अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी सुपुत्री के साथ यहाँ पर पधार रहे। उसके बाद वे शब्दावली शरदावली में जो एक घंटे के प्रोग्राम है, महामहिम राष्ट्रपति क्या उद्बोधन देंगे? एक घंटे के प्रोग्राम में पहले तो संतों के साथ उनका फोटो सेशन है, उसके बाद वहाँ पर जो हमारे गौड़ीय मिशन के जो आचार्य हैं वे वेलकम एड्रेस करेंगे, और एक और हमारे श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के आचार्य हैं वो प्रभुपाद जी की महिमा बोलेंगे। तत्पश्चात जो गवर्नर साहब उनका प्रवचन है, जो धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं उनका प्रवचन है, लास्ट में राष्ट्रपति महोदय बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे मठ से बहुत जुड़े हुए हैं, पहले भी हमारे पटना गौड़ी मठ में आए हैं और हमारे संतों से उनका बड़ा लेना देना है, इसलिए वो भी बड़े प्रसन्न हैं यहाँ पर आकर, हम लोग भी बड़े प्रसन्न। मठ के कार्यकर्ता में कितना उत्साह देख रहे हैं आप? मठ के कार्यकर्ता बड़े उत्साह से भरे हुए हैं और हम प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं ताकि राष्ट्रपति के आने पर किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, ना भक्तों की तरफ से और ना प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित माधुरी, आप प्रतिक्रिया शुणुले समस्त गोटे खुशी माहौल एवं समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुँची, जेहेतु महामहिम राष्ट्रपति श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जहाँ पूरी बड़दाण्डर अवस्थित सेठाक आसवे और भक्ति सिद्धांत जो प्रतिमूर्ति रही है, आप सीधा सड़क दृश्य देखुं भक्ति सिद्धांत प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करेंगे और भक्ति सिद्धांत आशीर्वाद देवे। निहती भाव में माधुरी, आप जानते वैष्णव धर्म जो प्रचारक थे भक्ति सिद्धांत, जो विभिन्न भाषा में पुस्तक रचना करते, जमीक श्री चैतन्य महाप्रभु परम शिष्य थे आम कहीपर, तो निहती भाव में मोटामोटी भाव में आप सीधा सड़क दृश्य देखुं भक्ति सिद्धांत प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करें, आम आलोचना करवा आम सहित मठर आज किसी कार्यकर्ता जोड़ी सहित आलोचना करवा के मानते प्रस्तुत है आप जेहतु हाथ में खूब कम समय रहा 10:35 में महामहिम राष्ट्रपति एटिक आसवे मनरे के खुशी प्रथम कहतु। हाँ बहुत खुशी, समस्त वैष्णवगण आज बहुत खुशी, कारण प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर 150तम आविर्भाव तिथि उपलक्षे ए वर्ष हूँ अधिवास वर्ष, महामहिम राष्ट्रपति महोदय आसी ए सभा को उद्बोधन देवे, उद्घाटन करेंगे, तत्संगे प्रभुपाद जन्मस्थान में उपस्थित हो प्रभुपाद चरण में पुष्पाजलि प्रदान करेंगे, आरती प्रदान करेंगे, तत्संगे श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन आरती करेंगे, श्री गौरांग महाप्रभु राधा नयनमणि आरती संपादन करेंगे। देखुचे मठ को सानिटाइज कर आज्ञा ये फायर ब्रिगेड मान मठ को सानिटाइज कर आमर पुरी प्रशासन तथा जिलापाल ये सक्रिय भाव में ये समस्त कार्य तदारख कर। निश्चित मधुरी, आप जहाँ देखुले आम आहरी दर्शक मान दृश्य देखा चाहिए, जेहेतु भक्ति सिद्धांत जन्मस्थान हूँ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, आप देखुं जो कांथ मानक जो प्रतिमूर्ति लग जा भक्ति सिद्धांत जन्म रु युवावस्था पर्यटन प्रत्येक कथा को लेकिन आधार कर देखुं भक्ति सिद्धांत संपूर्ण रूपे प्रतिमूर्ति एठार स्थान पाई है, और जो भक्त श्रद्धा मैंने गौड़ीय मठ को आसुचारी भक्ति सिद्धांत कौन रही महत्व थी, कौन किभली भाव से वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार करते, आदर्श विचारधारा कौन थी, ए तमाम जिनस कांथर ही प्रतिफलित माधुरी हो तो मोटामोटी भाव में जदि आम कह संपूर्ण रूपे मठ प्रस्तुत रही आम आलोचना करवा भक्ति मधुसूदन महाराज आम सहित अच्छा कौन कह के खुशी अच्छा आहेतु 10:35 रु महामहिम राष्ट्रपति आसवे केमी प्रस्तुति रही महामहिम राष्ट्रपति 10:35 समय यही आसवे यही जितेबाला आसवे आम मैंने बहुत खुशी, कहीं 150तम वार्षिक उत्सव उपलक्षे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही स्थान जो आसवे आम मैंने राष्ट्रपति को पुष्पमाल्य अर्पण करूँ, आ संकीर्तन मध्यम
मंदिर उपरको उठाइबु राष्ट्रपति त 10टा 35 रे एठाको आसीबे एठाले विशेष कार्यक्रम कोन होइछे मंदिर उपर उठाई से बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ दर्शन दर्शन करिवे चैतन्य महाप्रभु दर्शन करिवे राधा कृष्ण दर्शन करिवे प्रभुपाद दर्शन करी एठरे पुष्पमाल्य अर्पण करी एठारु सरदवाली जाई निश्चित माध्यमरे जहाँ प्रतिक्रिया सुनथिले मठरे जो कर्मकर्ता माने अछंती एवं जो वैष्णव धर्मावलंबी माने अछंती सेमानक मनरे ढेर सारा उत्साह रहिछि जेहेतु महामहिम राष्ट्रपति श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को 10टा 35 रे आसीबे एवं भक्ति सिद्धांत जी रहिथिले कहिपरिबे वैष्णव धर्मर प्रचारक जी रहिथिले जहांकर जन्मस्थान होउछि एही श्री चैतन्य गौड़ीय मठ तांके प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करबे मोटामोटी भाबरे हम कहिबा मठ तरफरु समस्त प्रस्तुति माधुरी शेष होइछि ओके आलोक आपण खबर उपरे नजर रखिथांतु परवर्ती समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे आपण मध्ये हमको अपडेट देबे बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना पाई।